हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आपको शौक है नॉवेल्स, पोइट्री और स्टोरी पढ़ने का, तो आइए हमारे चैनल जीके विद मस्ती संदीप गोयल पर। यहाँ आपको बेहतरीन से बेहतरीन उपन्यास, कहानी और कविताएं मिलेंगी और पढ़ने के लिए काफ़ी ऑडियो बुक्स मिलेंगी। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अध्याय 3, पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द पेशवास। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में मराठा प्रशासन हिंदू तथा मुस्लिम संस्थाओं का उत्तम सम्मिश्रण था। मराठा राज्य उस समय अस्तित्व में आया जब हिंदू तथा मुस्लिम सरकार तथा वित्तीय सिद्धांत कई शताब्दियों से एक दूसरे को प्रभावित कर चुके थे। मराठा प्रशासन के मूल तत्व हिंदू थे, जिसमें कई मुस्लिम विशेषताएं प्रवेश कर चुकी थीं। यह सत्य है कि पेशवाओं ने समय के अनुसार उनमें कई परिवर्तन किए थे। मुस्लिम सम्राट की स्थिति के स्थान पर मराठा प्रशासन में एक स्पष्ट परिवर्तन था। शिवाजी के अधीन मराठा संविधान में मुगल सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं था, परंतु शाहू के काल में मुगल सम्राट की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी। 1719 की संधि के अनुसार शाहू ने 10,000 का मनसब फरुख सियर से स्वीकार किया था तथा 10,00,000 रुपया वार्षिक उसे खिराज देना स्वीकार किया था। शाहू की सम्राट के प्रति निष्ठा इस बात से भी प्रमाणित होती है कि उसने पुणे में उत्तर की ओर दिल्ली द्वार बनवाया। शाहू का कथन था कि वो सम्राट के अपमान तथा अवज्ञा का द्योतक है। इसी प्रकार महाजी सिंधिया ने मुगल सम्राट से शाहू को वकील मुतालिक की पदवी दिलवाई तथा नॉन फडणवीस भी सम्राट को पृथ्वी सिंह की संज्ञा देते थे। सतारा के राजा। मराठा साम्राज्य का मुखिया शिवाजी का वंशज छत्रपति था, जो सतारा का राजा था। वही सभी नियुक्तियां करता था, परंतु राजा की शक्तियां तथा प्रतिष्ठा कम हो गई थी, विशेषकर जब से पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के वंश में वंशानुगत बन गया था। शाहू जब तक जीवित रहा, राज्य तथा शासन दोनों करता रहा। शाहू का पुत्र केवल नाम मात्र का राजा रह गया था। 1750 के संगोला की संधि से पेशवा ही राज्य का वास्तविक मुखिया बन गया था तथा राजा केवल महलों का महापौर। परंतु राजा की झूठी सत्ता राज्य के अंत तक बनी रही। हाँ, यह स्मरण रहे कि राजा की सत्ता का अपहरण चुपचाप तथा धीरे धीरे हुआ। स्कॉट वॉरिंग ने सत्य ही कहा है कि पेशवा द्वारा शक्ति अपहरण से न किसी को आश्चर्य हुआ, न किसी ने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया। वास्तव में यह संक्रमण सरल, प्राकृतिक तथा क्रमिक था। राजा की शक्ति का अपहरण शाहू के उत्तराधिकारियों के काल में इतना पूर्ण हो गया था कि राजा के निजी व्यय में पेशवा का सचिवालय कड़ी निगरानी रखता था। उसे अपने भृत्यों की नियुक्ति करने अथवा हटाने का अधिकार नहीं था तथा भृत्य पुणे से भेजे जाते थे। राजा के आदेश प्रायः पेशवा रद्द कर देता था और विशेष मदों के लिए अनुदान मांगना पड़ता था। पेशवा आरंभ में पेशवा शिवाजी की अष्टप्रधान समिति का सदस्य होता था, अर्थात 8 मंत्रियों में से एक और संभवतः इस सूची में दूसरे स्थान पर। बालाजी विश्वनाथ 7वें पेशवा थे, परंतु उन्होंने अपनी योग्यता तथा राजमर्मज्ञता से इस पद को वंशानुगत बनाया था। उनके पुत्र ने इस पद को मराठा प्रशासन में सर्वोच्च बना दिया था। प्रतिनिधि, जो मुख्य सरदारों की परिषद थी, उसके विरोध करने पर भी शाहू ने बाजीराव के उत्तर में प्रसार की नीति को स्वीकार किया तथा इससे ये क्रिया अधिक तीव्र हो गई। ज्यों ज्यों पेशवा को उत्तर में अधिक अधिक सफलताएं मिलती चली गयी, त्यों त्यों उसकी स्थिति और भी अधिक दृढ़ होती चली गयी। पुर्तगाली बस्तियों के गवर्नर जनरल मार्क्विस ऑफ अलोरना के अनुसार राजा केवल एक छाया मात्र बनकर रह गया था, जिसकी पूजा तो अवश्य होती थी परंतु आज्ञा कोई नहीं मानता था। पृष्ठ 35। प्राचीन अभिजात वंश जैसे अंग्रिया, भोंसले, गायकवाड़ पेशवा को अपने समान मानते थे तथा उसकी आज्ञा केवल इसलिए मानते थे क्योंकि वो राजा का नायक था। उदाहरण के रूप में अंग्रिया आशा करते थे कि उनके पूना आने पर पेशवा नगर से 2 मील बाहर आकर उन्हें लीवा ले जाएं तथा उनके आने पर घोड़े से उतरकर गशा, जो एक कढ़ाई किया हुआ कपड़ा होता था, उस पर खड़े होकर उनकी आगवानी करें।
परंतु नवीन अभिजात वंश सिंधिया, होलकर, रस्तिया लोग, जिन्हें पेशवा ने ही महत्ता प्रदान की थी, उन्हें अपना स्वामी तथा अपने बच्चों का अन्नदाता मानते थे। इस प्रकार पेशवा के उत्थान ने सरदारों के बीच समानता की भावना समाप्त कर दी थी तथा भोंसले तथा अंग्रिया के लिए भी एक बुरा उदाहरण बना दिया था। डॉक्टर एस एन सेन लिखते हैं कि इसके फलस्वरूप मराठा साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य की भांति ही बन गया था, अर्थात महत्वाकांक्षी सरदारों का एक ढीला सा संगठन तथा पेशवा रोमन सम्राट की नाई इस गठन का नेता मात्र रह गया था। उसका प्रभुत्व केवल उन्हीं क्षेत्रों में रह गया था जो सीधे उसके नियंत्रण में थे। केंद्रीय प्रशासन पूना में पेशवा का सचिवालय, जिसे हुजूर दफ्तर कहते थे, मराठा प्रशासन का केंद्र था। ये एक विशाल संस्था बन गया था जिसमें अनेक विभाग तथा कार्यालय थे। जे मैकलाउड के शब्दों में इस सचिवालय के कार्य को यूं वर्णित किया जा सकता है। जिलों की आय तथा व्यय का ब्यौरा जो सरकार के जिलों के वंशानुगत अधिकारी भेजते थे, गांव के अधिकारियों द्वारा भेजा गया विवरण, लोक राजस्व की छूट, चाहे वो सरंजाम, इनाम अथवा कुछ अन्य हो, सरकार तथा ग्राम के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते, सैनिकों की संख्या तथा वेतन, असैनिक, सैनिक तथा धार्मिक व्यय, सभी का लेखा जोखा यहां रहता था। रोज गिरद, दैनिक रजिस्टर, सभी करों के लेन देन के रजिस्टर, जिनमें सभी अनुदानों तथा भुगतानों का ब्यौरा होता था, यहीं रखे जाते थे। इन सभी पर विचार कर एक व्यापक दृश्य तर्जुमा में प्रस्तुत किए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण विभाग एल्बेरीज दफ्तर तथा चातले दफ्तर होते थे। इनमें से प्रथम सभी प्रकार के लेखों से संबंध रखता था तथा पूना में स्थित था। ये शेष सभी विभागों का वर्गीकृत ब्यौरा रखता था तथा एक ऐसी खतौनी तैयार करता था जो कि व्यय को अनुवर्णिक क्रम सारणी के रूप में वर्णित सारांश होता था। चातले दफ्तर सीधा फडणवीस के अधीन होता था। नाना फडणवीस ने हुजूर दफ्तर के कार्य प्रणाली में बहुत से सुधार किए, परंतु पेशवा बाजीराव द्वितीय के काल में ये भी अस्त व्यस्त हो गया था। प्रांतीय तथा जिला प्रशासन पेशवाओं के अधीन तरफ परगना, सरकार तथा सूबा आदि शब्दों का अविवेक रूप से प्रयोग किया जाता था। प्रायः सूबे को प्रांत कहते थे तथा तरफ अथवा परगने को महल भी कहते थे। खानदेश, गुजरात तथा कर्नाटक जैसे बड़े बड़े प्रांत सर सूबेदारों के अधीन होते थे। कर्नाटक का सर सूबेदार अपने मामलतदार स्वयं नियुक्त करता था, परंतु खानदेश के सर सूबेदार को केवल अधीक्षण का ही अधिकार था तथा उसके अधीनस्थ मामलतदार सीधे केंद्रीय दफ्तर को अपना ब्यौरा देते थे। सर सूबेदार के अधीन एक मामलतदार होता था जिस पर मंडल, जिले, सरकार, सूबा इत्यादि का कार्यभार होता था। मामलतदार तथा काम विस्तार दोनों ही जिले में पेशवा के प्रतिनिधि होते थे। वे सभी प्रकार के कार्यों की देखभाल करते थे, जैसा कि खेती अथवा उद्योग का विकास, दीवानी तथा फौजदारी न्याय, स्थानीय हिबंदी, नागरिक सेना, पुलिस तथा सामाजिक और धार्मिक झगड़ों में विवेचना इत्यादि। ग्रामों में कर निर्धारण मामलतदार स्थानीय पटेलों के परामर्श से करता था। यदि आवश्यक हो तो मामलतदार कर वसूली के लिए हिबंदी सैनिकों का प्रबंध भी करता था। मामलतदार तथा काम विस्तार के वेतन तथा भत्ते भिन्न भिन्न जिलों की महत्ता के अनुसार होते थे। शिवाजी के काल में ये अधिकार हस्तांतरणीय होते थे, परंतु पेशवाओं के अधीन ये प्रायः वंशानुगत हो गए, जिससे रिश्वत तथा भ्रष्टाचार फैल गया। देशमुख तथा देशपांडे अन्य जिला अधिकारी थे जो मामलतदार पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। उनकी पुष्टि के बिना कोई लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। इसके अतिरिक्त दरखदार, जो एक वंशानुगत तथा मामलतदार से स्वतंत्र अधिकारी था, इन पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता था। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में कारकुन भी होता था, जो विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। इससे छोटे प्रशासकीय भागों, महल अथवा तरफ का प्रशासन भी जिलों की भांति ही था। महल में मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। पृष्ठ 36। स्थानीय अथवा ग्राम शासन प्राग ऐतिहासिक काल से ही भारतीय ग्राम समुदाय स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करते थे। ये स्वतः पूर्ण तथा आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय सरकारी अधिकारियों के निरीक्षण में पूर्णतया स्वायत्तता भोगते थे।
मुख्य ग्राम अधिकारी पटेल होता था जो कर संबंधी न्यायिक तथा अन्य प्रशासनिक कार्य करता था। वो ग्राम तथा पेशवा के अधिकारियों के बीच एक कड़ी था। पटेल का पद वंशानुगत था तथा इसका क्रय विक्रय किया जा सकता था, इसका आंशिक हस्तांतरण भी हो सकता था। उस अवस्था में एक ग्राम में एक से अधिक पटेल भी हो सकते थे। पटेल को सरकार से वेतन नहीं मिलता था, वो एकत्रित कर का एक छोटा सा भाग अपने लिए रख लेता था। वो ग्राम समाज का नेता भी होता था तथा उसके अपने ग्राम के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होते थे। पटेल को भूमि कर राज्य को देना होता था तथा न देने की अवस्था में उसे जेल में भी डाल दिया जाता था। राजनीतिक गड़बड़ी के समय ये अपने ग्राम की नेक चलने की जमानत भी देते थे। उसके नीचे कुलकर्णी होता था जो ग्राम की भूमि का लेखा जोखा रखता था। पटेल की भांति कुलकर्णी को भी ग्रामवासी कुछ अनुलाभ देते थे। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होता था जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। इसके अतिरिक्त ग्रामों में 12 बलूटे तथा शिल्पी होते थे जो ग्राम की भिन्न भिन्न सेवाएं करते थे, जिनके बदले उन्हें अन्न मिलता था। कुछ ग्रामों में 12 बलूटों के अतिरिक्त 12 अलूटे होते थे जो सेवक के रूप में कार्य करते थे। नगर प्रशासन। मराठों का नागरिक प्रशासन मौर्य प्रशासन से मिलता जुलता था। कोतवाल मौर्य नागरिक के बराबर होता था, वो नगर का मुख्य शासक होता था। उसका कर्तव्य महत्वपूर्ण झगड़ों को निपटाना, मूल्यों को नियमित करना, नगर में आने जाने वालों का ब्यौरा रखना, राजपथों मकानों तथा गलियों के झगड़ों आदि को निपटाना तथा सरकार को इन कार्यों का मासिक ब्यौरा भेजना होता था। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि कोतवाल नगर का मुख्य दंडाधिकारी तथा पुलिस का मुखिया होता था। न्याय प्रणाली। प्राचीन हिंदू स्मृतिकारों का सबसे अधिक प्रभाव मराठा न्याय प्रणाली में देखने को मिलता है। मराठा कानून प्राचीन संस्कृत स्मृति ग्रंथों दाय भाग तथा मनुस्मृति आदि पर आधारित है। न्याय के लिए ग्राम में पटेल, जिले में मामलतदार, सूबे में सर सूबेदार तथा अंत में सतारा का राजा होता था। नगरों में न्यायाधीश होते थे जो कि शास्त्रों में पारंगत होते थे तथा केवल न्याय कार्य ही करते थे। इस प्रकार मराठे न्याय तथा कार्यपालिका के पार्थक्य से अनभिज्ञ नहीं थे। न्याय का प्रशासन साधारण तथा समय की आवश्यकता के अनुसार था। मुकदमों की कार्यविधि निश्चित नहीं थी तथा न ही कानून संहिताबद्ध था। प्रयत्न इस बात का होता था कि आपस में मित्रतापूर्ण समझौता हो जाए। छत्रपति तथा पेशवा आधुनिक न्यायाधीशों के स्थान पर प्राचीन कुलपिता की भूमिका निभाते थे। दीवाने मुकदमों का फैसला पंचायतें करती थीं, उन्हें प्रायः पंच परमेश्वर कहते थे। पंचों को माँ बाप के शब्द से संबोधित करते थे। पंचायत की आज्ञा दोनों पक्षों को स्वीकार करनी पड़ती थी। पंचायत से अपील मामलतदार के यहां होती थी। जब तक ये सिद्ध न हो जाए कि पंचायत ने बेईमानी की है, वो प्रायः पंचायत के फैसले की पुष्टि कर देता था। इस अवस्था में पंचायत के निर्णय को पेशवा बार बार सुन सकता था। फौजदारी मामलों में अधिकारी दीवानी वाले ही होते थे। प्रायः कोड़े लगाए जाते थे या देशद्रोह के मामलों में यातनाएं दी जाती थीं। डकैती वध देशद्रोह इत्यादि में जेल अथवा संपत्ति जब्त करने की सजा भी दी जाती थी। न्याय का उद्देश्य सुधार था, न कि अपराधी को निराश बनाना। पुलिस। पुलिस के प्रबंध संतोषजनक थे। पूना की महानगरीय पुलिस ईमानदार तथा कार्यकुशल थी। उन्होंने एल्फिंस्टन तथा टोन जैसे यूरोपीय लेखकों से प्रशंसा प्राप्त की है। एल्फिंस्टन के अनुसार इस कार्य में 9,000 रूपये वार्षिक व्यय किया जाता था। पृष्ठ 37। इसमें अनेक चपरासी, घुड़सवार, गश्ती टुकड़ियां तथा रामोशी थे। टोन ने भी इसकी प्रशंसा की है। वो लिखता है, रात में 10 बजे तोप दागने के पश्चात मार्गों पर चलने वाले व्यक्ति पुलिस के हाथों नहीं बचते थे तथा प्रातःकाल जब तक कोतवाल महोदय उन्हें न छोड़ते, वे जेल में बंद रहते थे। ये अनुशासन इतना कठोर था कि पेशवा को भी इसी नियंत्रण में रहना पड़ता था। राज्य की आय के अन्य स्रोत। राज्य की आय के अन्य स्रोत चौथ 25% तथा सरदेशमुखी 10% थी, जो उन प्रदेशों को देनी पड़ती थी जो मराठों की चपेट में आ जाते थे। उन्हें अपने बचाव के लिए ऐसा करना पड़ता था। चौथ की आय का बंटवारा इस प्रकार होता था। बबती अर्थात एक चौथाई भाग राजा के लिए,
सहोत्रा अथवा 6% पंत सचिव के लिए, नाड़गुंडा अथवा 3% राजा की इच्छा पर निर्भर तथा शेष मुकास अथवा 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी भी इसी प्रकार बांट ली जाती थी। जब ये प्रदेश सीधा मराठा साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था तो अंतिम 66% जागीर के रूप में बांट दिया जाता था। सरकार को कुछ आय वनों, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा टकसाल से भी होती थी। जंगलों से लकड़ी काटने, बांस काटने तथा ईंधन वाली लकड़ी तथा शहद इत्यादि के लिए आज्ञा पत्र भी बेचे जाते थे। इसी प्रकार सरकार प्रमाणित सुनारों से निजी टकसाल चलाने की अनुमति के बदले भी धन प्राप्त करती थी। पेशवा की आय का अनुमान भिन्न भिन्न लगाया गया है। जे ग्रांट ने 18वीं शताब्दी के अंत में ये अनुमान 6 करोड़ रुपया वार्षिक का लगाया है, जिसमें 3 करोड़ रुपए चौथ के थे। एल्फिंस्टन ने दिसंबर 1815 में 69,71,735 रुपए का अनुमान लगाया है, जिसमें चौथ तथा सरदेशमुखी सम्मिलित नहीं थी। कर व्यवस्था। भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, अतएव भूमि कर आय का मुख्य साधन था। शिवाजी खेत की वास्तविक उपज का भाग लेना पसंद करते थे, परंतु पेशवाओं के काल में ये लंबी अवधि के लिए निश्चित कर दिया जाता था। ये सिंचाई की सुविधाओं पर निर्भर होता था, परंतु खेती तथा उर्वरता के अनुसार भी भूमि का वर्गीकरण होता था, जो कि निश्चय ही मुगल प्रभाव था। कृषक को नई भूमि जोतने की प्रेरणा देने के लिए उस पर कम कर दिया जाता था। पेशवा माधवराव ने बंजर तथा पथरीली भूमि को जोतने पर आज्ञा दी कि ऐसी भूमि का आधा भाग इनाम के रूप में किसान को दे दिया जाएगा तथा शेष आधे पर आने वाले 20 वर्ष तक रियायती दर से कर लिया जाएगा तथा अगले 5 वर्ष तक कम